हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी अनमैरिड लड़का या लड़की है और एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी की तलाश में है, तो उनको सावन महीने का व्रत किस तरह करना चाहिए कि उनकी ये तलाश पूरी हो जाए। देखिए, सावन महीने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और जो भी लड़का या लड़की इस मनोकामना के साथ सावन के महीने में व्रत करते हैं कि उनको एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी मिल जाए, तो निश्चिंत ही उनकी ये मनोकामना पूर्ण होती है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर शिव जी के इस सावन के महीने का इतना ज़्यादा महत्व क्यों होता है और क्यों वे हमेशा अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं और जो भी ये मनोकामना के साथ व्रत करते हैं कि उनको एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी मिल जाए, वे उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और क्या विधि होती है, क्या तरीका होता है पूजा करने का, सारी ही बात हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं आखिर इस महीने का इतना ज्यादा महत्व क्यों है। तो देखिए, माता पार्वती ने शिवजी से विवाह करने के लिए घोर तपस्या की थी और सावन महीने में ही शिवजी ने माता पार्वती से विवाह किया था। तो माता पार्वती और शिव जी के लिए महीना बहुत ज़्यादा विशेष होता है और वो दोनों ही प्रसन्न होकर जो भी भक्त उनसे इस मनोकामना के साथ इस महीने में पूजा करते हैं कि उनको भी एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी मिल जाए, तो वो निश्चित ही उनकी वो मनोकामना पूर्ण करते ही करते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप विधि आप जान लीजिए, थोड़ा सा तरीका आप जान लीजिए जिससे कि आपकी पूजा सफल हो जाए और आपकी ये तलाश पूरी हो जाए। चलिए, तो पहला है कि सुबह को नहाकर और स्वच्छ वस्त्र पहन के आप पूजा में बैठ जाइए और पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए जो भी आपको पूजा में चाहिए होती है। और दिया जब आप जला लेते हैं तो आपको अपनी हथेली पर गंगा जल रखकर ये संकल्प लेना चाहिए कि आप कैसे कैसे इस महीने के व्रत को करने वाले हैं, कैसे पूजा करने वाले हैं, क्या आप दान करने वाले हैं। तो आपको हर एक चीज़ को अपने संकल्प लेना है और बताना है कि मैं ऐसे ऐसे आपका व्रत करने वाला हूं या करने वाली हूं, मुझे ये मनोकामना है और आप प्लीज मेरी ये मनोकामना, कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें। तो देखिए, आपको जैसे गंगा जल आपने हाथ में लिया तो आपको, जैसे कुछ भक्त एक महीने का व्रत करते हैं, एक समय भोजन करते हैं और बाकी समय फलाहार करते हैं, कुछ भक्तजन सिर्फ सोमवार का ही व्रत करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ सोमवार का व्रत करेंगे उनकी ही मनोकामना पूर्ण होगी या जो महीने का ही व्रत करेंगे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी भक्तजन जितनी शुद्ध भावना के साथ पूजा अर्चना करेंगे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। तो आप अपने अनुसार अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अगर आप सोमवार का करना चाहते हैं तो आप संकल्प में अपने पूरा बताइए कि मैं सोमवार के व्रत रखने वाला हूँ, सावन का सोमवार के, और ऐसे ऐसे मैं व्रत करूंगा और मैं इस तरह से, जो भी आप दान करना चाहते हैं आप वो सब भी बोल लीजिए और स्पष्ट आपको बोलना है, भले ही आप एक जगह लिख लीजिए। और जो भी आपकी मनोकामना है अपने जीवन साथी को लेकर, वो आपको स्पष्ट बोलनी है कि आखिर आपको कैसा जीवन साथी चाहिए। और ये सब बोलने के बाद आपको 7 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और उस गंगा जल को पी लेना है। और आपको जब भी आप संकल्प लें तो कभी भी संकल्प दक्षिणा के बिना पूरा नहीं होता, तो आपको 10 रुपये या जितनी भी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप संकल्प के बाद जो भी है आप बना लीजिए, एक कुछ भी रख लीजिए पास में और संकल्प के पैसे उसमें इकट्ठा करते जाएं। यदि आप सिर्फ सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो ये विधि आपको सिर्फ सोमवार के व्रतों में ही करनी है। अगर आप डेली व्रत कर रहे हैं तो आपको ये डेली करना है, उसके बाद में आपको पैसे इकट्ठे करते रहना है। लेकिन बिना पैसों के आप संकल्प ना लें, क्योंकि बिना लक्ष्मी के संकल्प अधूरा माना जाता है। तो आप जब भी ये करें तो उसके बाद में आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, पूजा अर्चना करें और जल में आपको गुड़, दूध, गंगा जल जरूर मिलाना है। उसके बाद आपको बेलपत्र जो भी है वो सब जानते हैं, तो हर एक सामग्री को इकट्ठा करना है और चंदन का तिलक लगाना है। लेकिन जो विशेष बात है, आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी सिर्फ शिव जी की पूजा नहीं करनी है, हमेशा शिव जी और पार्वती माँ दोनों की ही पूजा करनी है। अगर आपकी मनोकामना है तो आपको दोनों की ही पूजा करनी है, भी अकेले जन की पूजा नहीं करनी है।
ठीक है। इसके बाद में आपको जो भी आप संकल्प लेंगे आप उसको खंडित नहीं कर सकते। अगर आप खंडित करते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण नहीं होगी। तो जिस तरह भी आप संकल्प ले रहे हैं वो आपकी तपस्या के तौर पर देखा जाएगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मैं डेली मंदिर जाके जल चढ़ाऊंगा, शिवलिंग पे जल चढ़ाऊंगा, तो वो आपको संकल्प पूरा करना पड़ेगा। जो भी आप गंगा जल लेकर इतना सब करने के बाद जब भी शिवरात्रि आती है तो आपको शिवरात्रि में जो भी आपने संकल्प के दौरान पैसे इकट्ठे किए थे, लक्ष्मी इकट्ठी की थी, उनमें अगर आवश्यकता है तो आप और मिला लीजिए। अगर आवश्यकता नहीं है तो आप उससे माता पार्वती और शिव जी के लिए वस्त्र खरीद लीजिए। जो भी आपके आसपास मंदिर है आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमा है, उनके हिसाब से वस्त्र खरीद लीजिए और पूरा श्रृंगार का सामान लीजिए माता पार्वती के लिए और जाकर आपको चढ़ा देना चाहिए। इस तरह से आपकी पूजा पूरी होती है और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको जीवन साथी मिलेगा और जैसी आपने मनोकामना की है वो भी आपकी पूर्ण होगी। लेकिन जो भी भक्तजन इस वीडियो को सावन महीने के बाद देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अब तो सावन महीना निकल गया है, अब हम कैसे इस व्रत को करें, तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि आप 16 सोमवार के व्रत भी कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत करने से भी आपको फल मिलता है, लेकिन सावन महीने का जो महीना होता है उसका विशेष ही महत्व होता है। लेकिन जो भक्तजन बाद में देख रहे हैं वो 16 सोमवार के व्रत करें और इसी विधि विधान के साथ करें, निश्चिंत ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि टाइम पे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। बाय बाय।